हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द घोस्ट ब्राइड के बारे में। द घोस्ट ब्राइड जो कि नेटफ्लिक्स की एक छोटी सी टीवी सीरीज़ है और ये बिलोंग करती है मलेशिया से या फिर कहें ताइवान से, ये दोनों जगह से बिलोंग करती है क्योंकि कॉमन लैंग्वेज होगी शायद कुछ ऐसा। और ये टीवी सीरीज़ अभी काफ़ी पॉपुलर से चल रही है। साइंस फिक्शन है, फैंटेसी है, ड्रामा है और बहुत कुछ है जो आपको इस टीवी सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस टीवी सीरीज़ के बारे में। और ये टीवी सीरीज़ जनवरी के अंदर पूरी तरह से अवेलेबल हो गई है। अगर बात करें इसकी स्टोरी की तो इसकी स्टोरी काफ़ी शानदार सी है। एक नॉर्मल से घर की लड़की होती है जिससे बहुत ही अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आता है। और इस टीवी सीरीज़ की जो कहानी है वो बिलोंग करती है 1890 से या फिर कहें 1890 से। तो ये काफ़ी पुराने ज़माने की कहानी है। तो उसके अंदर जब कुछ ऐसा होता है कि एक बड़े घर का लड़का एक छोटे घर की लड़की को ब्याहने की कोशिश करता है या शादी करने की कोशिश करता है तो वो मना नहीं कर पाते और वो उनकी पूरी फैमिली काफ़ी खुश होती है कि उनको इतने बड़े घर के लड़के का रिश्ता आया है, क्योंकि ये एक तरह से काफ़ी बड़ी बात हो गई। तो वो इसको लेके काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और खुश होते हैं इसी बात को लेके। और इस टीवी सीरीज़ के कैरेक्टरों के नाम मैं नहीं ले पाऊँगा क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग से कैरेक्टरों के नाम हैं और ये सिर्फ 6 एपिसोड की एक छोटी सी सीरीज़ है। तो इतना ज़्यादा देखा नहीं तो इतने ढंग से याद नहीं हो पाया और ना ही मैं प्रोनाउंस कर पाऊँगा सही से। तो अगर बात करें आगे स्टोरी के ऊपर, तो आगे स्टोरी कुछ इस टाइप से है कि लड़की उस अमीर लड़के के साथ एक घोस्ट ब्राइड बन जाती है। वो तो कुछ ऐसा है कि जो लड़की के पिता होते हैं उसको एक घोस्ट ने जकड़ लिया होता है और पूरी तरह से जकड़ लिया होता है और उनकी बॉडी पे पूरी तरह से उस घोस्ट का कब्जा होता है और वो चाहता है कुछ उसके बदले में उस ब्राइड से। तो उस घोस्ट की कुछ ऐसी डिमांड होती है कि उसका किसी ने मर्डर किया होता है एक अलग वर्ल्ड के अंदर और वो चाहता है कि वो उसे कातिल को ढूंढे जल्दी से जल्दी। और वो घोस्ट इस काम के लिए उस लड़की को बहुत ही कम समय का वक्त देता है और उस वक्त के अंदर उसे वो ढूंढना होता है उस कातिल को। अगर उसने उस कातिल को नहीं ढूंढा तो उसके जो पिताजी होते हैं उसको घोस्ट कभी नहीं छोड़ेगा और उनकी बॉडी पे कब्जा कर लेगा। तो ये कुछ शर्तें होती है और ऐसा ही है मेन थीम इस नाटक का। और इसके बाद उस लड़की की मुलाकात होती है इरलैंग से और इरलैंग से मिलने के बाद वो एक अलग ही जर्नी पर निकल जाते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत सी जर्नी है जिसको देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक वो अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पे तलवारें चलती है और अलग अलग मैजिक चलता है। तो ऐसी कुछ स्टोरी है शो की जिसको देख के आपको कुछ डिफरेंट सा और अलग फील होने वाला है और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इस शो को देख के। तो मिल ये कहानी पूरी तरह से इस लड़की पे बेस है कि कैसे वो उसको ढूंढ पाएगी उस घोस्ट के कातिल को। और इसी स्टोरी को लेके पूरा 6 एपिसोड तक खींचने के बाद आपको एक कंक्लूजन मिलेगा जो आपको इस शो देखने में पता चलेगा। और हम कुछ भी नहीं चाहते कि आपका जो थोड़ा सा स्पॉइलर हो, इसलिए हम कुछ भी स्पॉइलर नहीं देंगे। अगर बात करें मेरे ओपिनियन की तो ये शो ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा फाड़ू तो शो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक शो है। अभी इतने ज़्यादा शो नहीं आ रहे हैं तो उसके बीच में ये एक ठीक ठाक सा शो है जिसको देख के आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको फैंटेसी टाइप के, फैंटेसी वर्ल्ड टाइप के शो देखना काफ़ी अच्छा लगता है, घोस्ट के शो देखना काफ़ी अच्छा लगता है तो ये काम चलाओ शो है जिसको देख के आप इंजॉय कर सकते हैं। और थोड़ा चाइनीज थीम का शो है तो, और एनिमेशन की थोड़ी वाइब भी है, तो मांगा और एनिमेशन की वाइब वाला शो है। तो अगर आप मांगा के फैन हैं तो हो सकता है आपको ये शो ज़रूर पसंद आए। तो अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो तो आप इस शो को ट्राई कर सकते हैं। ये शो जनवरी में आ चुका है और इसके सारे एपिसोड नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और अलग अलग साइट्स पे भी अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको ऐसी अलग अलग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसा अच्छा कॉन्टेंट मिल सके। और अगर आप पहले से ही ये नाटक देख चुके हैं तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा।